नमस्ते, वेलकम बैक टू इन टेरा। कोई भी मार्केट कंडीशन हो, भले साइडवे, भले रेंज बाउंड, भले कंसोलिडेशन, हमारा सॉफ्टवेयर इन टेरा के तो आसानी से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लो आज की बैंक निफ्टी। निफ्टी मॉर्निंग में काफ़ी कंसोलिडेशन, यानी कि लगातार 3-4 दिनों की डाउनफॉल के बाद आज मॉर्निंग में काफ़ी साइडवेज के बाद ओपन हुए थे। जैसे रिवर्सल पॉइंट यानी कि आपको जानना है तो भी करेक्ट स्पॉट हंट, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर ट्रेडर के थ्रू आपको आसानी से आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। पर किस तरह कैसे चेक कर सकते हैं, तो ये जानने के लिए आप आज के भी ट्रेडर के फुल यानी कि ये वीडियो वॉच कीजिएगा। मैं आपको गाइड करती हूँ किस तरह वर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं फिलहाल आपको दिख रही हूँ विंचेड की लेटेस्ट वर्जन 8.1। तो 8.1 मतलब आप समझिएगा, तो आपके मन में ऐसा सवाल है इसके पहले कितना वर्जन था। तो कोई पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बताती हूँ, जब हम विंटेड का फर्स्ट वर्जन रिलीज किए थे, जब 2009 जब स्टार्ट किए थे तब पहला वर्जन हमने रिलीज किया था। अभी फिलहाल 13 साल के बाद हमने 8वां वर्जन पे हो, तो यानी कि लगातार कंटिन्यूसली हमारा सक्सेसफुल, यानी कि ये जो विंटेड वर्जन अभी चल रही हो 8वां वर्जन के साथ अभी भी चल रही हो, तो इसके बाद नेक्स्ट वर्जन अभी भी जो भी आएगा आपको विंटेड यानी कि फ्री में अपडेट होगा, नेक्स्ट वर्जन यानी कि बहुत जल्दी आएगा। तो वो जल्दी आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली जो परचेज किया वो क्लाइंट्स को ऑटोमेटिकली अपडेट्स मिलेगा, साथ में दो स्कैनर भी। स्कैनर मतलब परफेक्टली करेक्ट मोमेंट, यानी कि जो प्रॉफिटेबल रेट किस तरह आपको ले सकते हैं वो करेक्ट मोमेंट आपको जानने के लिए एक स्कैनर भी सेट किया हुआ है। उस स्कैनर में आपको आइडेंटिफाई करके प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको ढूंढना बहुत इजीली आपको हो जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल में सेल दिया हुआ है, 3 रेड आरो यहाँ पे दिया हुआ है। क्रूड ऑयल उठा के आप चेक करेगा तो आपको पता चलेगा वहाँ पे ऑलरेडी पहले से सेल चल रहा होगा। तो अप्रोक्सीमेट आप 15 मिनट्स के हिसाब से आप चेक करेंगे तो आपको देख लीजिए 15 या 5 कोई भी तो कंडीशन देख लीजिए, जब प्रॉपर इसमें से यानी कि मॉर्निंग से लेकर अभी तक मार्केट डाउन ही जा रही है। ओके, तो करेक्ट आसानी से बहुत जल्दी हमारे सॉफ्टवेयर इंचर की तो आपको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर इंचर की स्कैनर थ्रू, और साथ तो साथ आज की लाइव परफॉर्मेंस भी दिखा रही हूँ। और साइडवे भले कोई भी मार्केट कंडीशन है, तो साइडवे भले साइडवे हो, कंसोलिडेशन हो, हमारे सॉफ्टवेयर इंचर के थ्रू किस तरह चेक कर सकते हो वो आज की वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए बैंक निफ्टी का अभी फिलहाल चाहिए कॉर्नर में आपको लाइव रेट दिखेगा, तो इसमें ग्रीन कलर अपारो दिया है वो बाई है, रेड कलर सेल में हो, जो बाकी एक्स्ट्रा कलर आपको साइड भी दिख रही है। तो जो सिग्नल आएगा अलर्ट मैसेज, यानी कि जब करेक्ट टाइम पे करेक्ट अलर्ट मैसेज आपको मिलेगा, जैसे अभी दिख रही हो क्रॉस डाउन इन MCR, यानी कि क्रूड ऑयल अभी डाउन होने जा रहा है। तो एग्जाम्पल आप देखेंगे तो अभी क्या ना थोड़ा ऊपर जाने के लिए कोशिश किए थे, सीधा बाई नहीं यानी कि नीचे निकल रही है। तो मार्केट यहाँ पे देखिए बाई सिग्नल आया हुआ था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए तो यहाँ से कोशिश किया था, पर फिलहाल वहाँ से रिवर्स हो गए। तो ये एग्जाम्पल, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर करेक्ट टाइम पे आपको यहाँ पे मैसेज अलर्ट देगा। ओके, साथों साथ आपके लेटेस्ट सिग्नल जो भी मिल रही होती, यानी कि लेटेस्ट सिग्नल का जो भी डिटेल्स आप ऊपर नीचे मिलेगा, तो लेटेस्ट सिग्नल यहाँ पे बाई दिया हुआ है, 3 टारगेट यहाँ पे मेंशन किया है ऊपर नीचे। तो यहाँ पे बाई सिग्नल आए थे पर कंफर्मेशन जब हुए थे ऑलरेडी मार्केट थोड़ा ऊपर चढ़ चुकी थी, वहाँ से ऑलरेडी टारगेट हिट होने के बाद ही हमारा सॉफ्टवेयर कंफर्मेशन दिया था। इसकी वजह से क्योंकि ऑलरेडी इतना दिनों से लगातार काफ़ी डाउनफॉल यहाँ पे दिया गया है, तो ऐसे मार्केट कभी हाइक पड़ेगा तो वहाँ से अचानक ब्रेकआउट होगा, तो पोजीशन में अगर रिस्की ट्रेडर्स को लेना है तो मैंने पहले भी बताया था आपको रिस्की से ले सकते हो आराम से, क्योंकि इतना जब लगातार वहाँ से यानी कि डाउनफॉल निकलेगा तो वहाँ से एक ब्रेकआउट, एक ह्यूज ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि वहाँ से कंफर्मेशन होकर चेक करने के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो वहाँ से जल्दबाजी में आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर लेना है तो आपको यानी कि यहाँ से आपको रिस्की से ही लेना पड़ेगा, अगर रिस्की से नहीं लेना है तो भी आप आराम से वेट कर सकते हो, कोई बेहतरीन यानी कि आपको सक्सेस यानी कि रिस्की से बिना यानी कि सेफ पोजीशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो उसी के अलावा तो उसके यानी कि मॉर्निंग में जब पहले जब बाई सिग्नल इसमें से डिटेक्ट किया तो भी सेम ऐसा ही था, कि यहाँ पे भी ह्यूज एक हाइक यानी कि ऊपर जाके ओपन हुए थे, वहाँ से जैसे कंफर्म हो ही रहा था तो वहाँ से सीधा नीचे की तरफ मार्केट मोड़ा है। तो इसकी वजह से हमेशा मैं आपको बोल रही हूँ रिस्की से पोजीशन लेना है तो आपको ले सकते हो, पर वहाँ से रिस्की होगा, कभी भी ब्रेकआउट हो सकते हैं।
तो इसकी वजह से थोड़ा वेट करूंगी तो आराम से एक सेफ पोर्शन आप मिलेगा। ऐसे सेफ पोर्शन था ये सेल ट्रेड, यानी कि आज सेल में देख सकते हो जब मार्केट जब यहाँ से लेकर डाउन जा रहा था, यानी कि ऑलरेडी देख सकते हैं नीचे वॉल्यूम बार यहाँ से, यानी कि सेल स्टार्टेड है। आपको नीचे छोटा सा बिंदी जैसे ही दिख रहा होगा तो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर ऑलरेडी सेल स्टार्टेड है ये पॉइंट से लेकर, तो ये पॉइंट से लेकर सेल स्टार्ट रहा है। तब सिग्नल आया नहीं था, सिग्नल आए थे ऑलरेडी मार्केट सेल जोन में जब जा रहा था तब सिग्नल दिए थे, तो वही पॉइंट आप आराम से पकड़ सकते हो। 40,418 से सीधा थोड़ा नीचे गिर गए थे, यानी कि 40,252 तक गए थे, छोटा सा पॉइंट यहाँ नहीं, यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद ही मार्केट वहाँ से रिवर्स पकड़े थे, थोड़ा सा ऊपर जाकर अगेन ब्रेकआउट अगेन सपोर्ट तोड़ दिए थे। दो एंट्री की तरह आप ले सकते हैं, एक तो होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आपको दूसरा एंट्री यहाँ पे यानी कि सेकंड टारगेट से लेकर तीसरा टारगेट और ज़्यादा काफ़ी नीचे डाउन मार्केट यहाँ पे हुई थी, उसके बाद एक अचानक ह्यूज ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया गया है। ओके, इसकी से आपको इसके लिए इसी में यानी कि हमारा सॉफ्ट मीटर तो आपको एक्स्ट्रा कलर से यानी कि काफ़ी अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट प्रॉपर रिवर्सल कौन सा है। कैंडल स्टिक में क्या होता है आपको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे कैंडल का भी ऑप्शन यहाँ पे रखा है। इसमें क्या होता है आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है किस तरह, यानी कि यहाँ से ही मार्केट थोड़ा रिवर्स हो गया था, यहाँ पे आपने बॉय पोजीशन लिया तो भी मार्केट सीधा नीचे की तरफ मोड़ा है, तो एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कहाँ पे रिवर्स हो गया था। तो इसके लिए आराम से ये वर्जन हमारे ये जो लेटेस्ट वर्जन में करेक्टली जो पॉइंट पे यानी कि साइड पे मार्केट कौन सा है, कौन से पॉइंट में रिवर्स हो रहा है, तो आपको करेक्टली ट्रेंड लाइन ये ट्रेंड लाइन वाइज और साथ में रेसिस्टेंस सपोर्ट और साइड वे की तरह आपको आराम से आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। साथ में आपको निफ्टी का भी चार्ट देख लीजिए जो सेम ऐसा ही था, मॉर्निंग में यहाँ पे देखिए ह्यूज हाइक से ओपन हुए थे, यहाँ से थोड़ा नीचे यहाँ पे थोड़ा सा डाउन दिया गया पर सॉफ्ट वहाँ से सेल नहीं दिया गया है, सेम सीधा ऊपर की तरफ मोड़ के मार्केट फिर अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट। ये सेल बहुत बढ़िया सेल था, सेफ यानी कि सेफ ट्रेड ऐसा कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मिला है। और लास्ट में भी सेम ऐसा ही था, यहाँ पे भी सडन ह्यूज अप ट्रेंड यहाँ पे मार्केट ने डिटेक्ट किया गया है, तो यानी कि ऐसे पोजीशन आपको लेना है तो यानी कि ऐसे ही यानी कि इसमें से आपको रिस्की से ही लेना पड़ेगा। अगर कंफर्मेशन होने के बाद चेक करूँ थोड़ा ऑलरेडी मार्केट थोड़ा सा ऊपर चढ़ चुकी थी, उसके बाद ही सिग्नल दिया गया है। ओके, तो उसी के अलावा मारुति में देख लीजिए गैप अप के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे से एक सेल सिग्नल दिया था, उसके बाद मार्केट ने सीधा ऊपर की तरफ मोड़ा है, तो यहाँ से देख सकते हो सेल सिग्नल ऑलरेडी एकदम हाइक में नीचे जाकर डाउनफॉल यानी कि दिया गया है, वहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं गए मार्केट सीधा ऊपर गए थे, यानी कि ये लास्ट के जो बाय सिग्नल अप्रोक्सीमेट 36 पॉइंट्स यहाँ से हासिल किया गया है। और सेम आपको बजाज फिनांस से यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो बजाज फिनांस का पोर्शन भी सेम ऐसा ही था, जिसमें से मॉर्निंग से ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिले थे, रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद 6,006 से सीधा ऊपर यानी कि मार्केट ने काफ़ी बढ़िया ट्रेंड यानी कि 6,060 तक पहुंच गए थे, यानी कि लगभग आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट मॉर्निंग से ही मिला है। उसके बाद सेल दिया गया पर काफ़ी साइडवेज के थ्रू दिया गया है, सेल ज़्यादा नीचे नहीं गए तो आपको लेना है, तो सेम मैंने बोला था यहाँ पे सेल सिग्नल आया तो आपको रिस्क यानी कि रिस्की से ही लेना पड़ेगा, ज़्यादा नीचे नहीं गए तो इतना लंबा साइडवेज जब मार्केट चल रहे हो वो पॉइंट यानी कि काफ़ी रिवर्स हो सकते हैं, ऐसा साइडवेज की वजह से हमारा सॉफ्टवेयर दे रही वो पॉइंट काफ़ी यानी कि कंसोलिडेशन यानी कि हमेशा आपको रिस्की से ही होगा, वो रिस्की पोर्शन आपको लेना है तो आपकी रिस्की से ही लेना पड़ेगा। ओके, सेम उसी के अलावा मैं आपको कमोडिटी मार्केट भी दिखा रही नेचुरल गैस की आज की ट्रेड यहाँ पे देख सकते हो, गैप डाउन के बाद एक सेल ट्रेंड भी यहाँ पे था और बाय ट्रेंड भी था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉर्निंग में जब सेल सिग्नल यहाँ से दिया गया है तो उसके बाद सपोर्ट अप्रोक्सीमेट 2-3 में सपोर्ट तोड़ा था, वहाँ से नीचे मार्केट गए थे 221 यानी कि 2 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। उसके बाद मार्केट बाय सिग्नल दिया गया है अप्रोक्सीमेट यानी कि 2:44 यानी कि 3:15 पहले दिया गया है, उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेट तीनों टारगेट यहाँ पे अचीव्ड है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 224 से हमने पोजीशन बनाए थे, 226 यहाँ पे भी 2-3 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है हमें। ओके, किसी को सेम ऐसे ही डेमो चाहिए तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं गाइड करूँगी आपको किस तरह वर्क करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की, तो आपको किस तरह सक्सेसफुल आपको ट्रेड लेना चाहिए वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आज की यानी कि लाइव यानी कि वन डे फ्री ट्रायल में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके देगा, तो कॉल कीजिए व्हाट्सअप कीजिए मैं आपको गाइड करूँगी किस तरह हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं।